Subscribe to my channel, My Time, My Review for free and hit the bell icon to get the latest update. Bro, welcome to my channel, My Time and My Review. In this video, we are going to talk about the restoration of Isteem in 2019. So let's divide this video in three parts. The first part में आपको मैं बताऊँगा कि गाड़ी के आउटर बॉडी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं उसके बारे में बताऊँगा. सेकेंड पार्ट में आपको बताऊँगा कि इंटीरियर गाड़ी के इंटीरियर में क्या क्या चेंजेस किए हैं वो मैं बताऊँगा आपको. और थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट जो है गाड़ी का डेंटिंग पेंटिंग, उसमें कितना खर्चा आया, उसमें क्या क्या पार्ट्स चेंजेस हुए हैं तो उसके बारे में बताऊँगा. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एंड माई टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. बताऊंगा कि इसमें गाड़ी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं आउटर बॉडी में. तो सबसे पहले जो हेडलाइट है इस्टीम के, आप नए लेने जाएंगे, इसका कॉस्टिंग कुछ 5200 रुपीज़ है. स्टोर से आप लेंगे, कौन से स्पेयर पार्ट से, दुकान से, इसका कॉस्टिंग कुछ 5200 है. लेकिन ये मेरे को मोहम्मद अली रोड में 1000 रुपये में मिला है. सेकेंड हैंड है, लेकिन आप देखेंगे तो ऐसा कुछ, इसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छा है, ऐसा कुछ लगेगा नहीं. बहुत बहुत ही अच्छे कंडीशन में मेरे को ये मिले हैं. सेकेंड थिंग आप देखेंगे कि इसकी नंबर प्लेट IND नंबर प्लेट है. इसकी इस पुराने तो बहुत वर्स्ट कंडीशन में थे पुराने नंबर प्लेट, तो इसके इसको रिप्लेस करने के लिए कुछ 800 रुपये लगते हैं और आपको एक दिन देना पड़ता है क्योंकि नॉर्मल जगह पे ये नंबर प्लेट नहीं बनता है, तो उसके लिए एक दिन जाता है. आप देखेंगे ये फोग लैम्प, यहाँ पे फोग लैम्प देखेंगे तो इसके पहले जो डिफ़ॉल्ट फोग लैम्प लगाए थे मैंने, लेकिन उसका जो आउटपुट था इतना अच्छा नहीं था, तो आई स्विच टू दिस LED फोग लैम्प. उसका आउटपुट है लेकिन लिमिटेड रेंज पे है इसका आउटपुट, लेकिन दैट इज़ यूजेबल. मीन्स ऐसा कुछ जो पुराने थे जो डिफ़ॉल्ट थे फोग लैम्प, उसका कुछ यूज़ ही नहीं हो रहा था. सो दिस इज़ गुड एक्चुअली. आई कैन सजेस्ट यू कैन यूज़ दिस LED फोग लैम्प ऑन योर कार. सो लेट्स आप ये साइड में आएंगे तो ये आप LED देख सकते हैं. ये इसकी दोनों साइड की कॉस्टिंग कुछ 450 रुपीज़ है, ठीक है. ये साइड ग्लासेस है, मिरर से, ये भी रिप्लेस हुए हैं. इसके कुछ 1700 रुपये कॉस्ट है, कुछ रॉयल ब्रांड के हैं ये, रॉयल कुछ ऐसे कंपनी का रेड ब्लॉक्स बॉक्स में आपको मिलेंगे ये, लेकिन ठीक ठाक क्वालिटी के ये ग्लासेस है. इसमें या सेटिंग में ज़रा सा प्रॉब्लम है, तो आपको यहाँ पे अंदर इसके अंदर कुछ ऐसा कुछ सपोर्ट के लिए डालना पड़ता है इनर अंदर के साइड पे. ओके, ये पट्टी भी चेंज हुआ है. ये पट्टी की कॉस्टिंग कुछ 450 रुपीज़ है चारों पट्टी का. ये डोर वाइज़र भी कुछ अराउंड 400-500 रुपीज़ में मिल जाएंगे. ओके, और सबसे ये पट्टी है जो साइड पट्टी है, डोर प्रोटेक्टर है. ये पुराने डोर प्रोटेक्टर है, लेकिन इसको फिक्स करने के लिए मैंने 3M का टेप यूज़ किए हैं. तो एक साइड के लिए एक टेप लगती है और दोनों साइड को फिक्स करने के लिए कुछ 700 रुपये आपको लगेंगे. ओके, यहाँ पे आप देखेंगे पुराने स्टीम में यहाँ पे एक एंटीना आती थी जो
अभी जब ये कार ली तो ये फंक्शनल नहीं थी, तो ये जो गैप फिल करने के लिए फ्लैग लगा थे यहाँ पे जो लगाया है मैंने, ठीक है। आप यहाँ पे जो लोगो है ये भी लोगो में पुराना ही लगाया है यहाँ पे, ठीक है। इसको मैंने 3M टेप से चिपकाया, इसको जस्ट कटिंग करके पूरे नाम को और बाद में चिपकाया है यहाँ पे और बैक साइड पे। और ये तो टेल लाइट्स भी पुराने हैं, इट वॉज इन गुड कंडीशन, ये भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छे कंडीशन में है। सो बैक साइड में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए हैं मैंने, ठीक है। ये साइड में आप भी देखेंगे कि यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं किए हैं। तो ये जो लोगो लगा है रिबॉन का, इसके कुछ 80 रुपीज़ लिए हैं, दो साइड के लोगो दोनों साइड पे लगाने के लिए 80 रुपीज़ लिए हैं। अब ये एस लोगो दिखाई दे रहा है आपको, इसको एस लोगो के लिए भी कुछ चार लोगों के लिए मैंने 800 रुपीज़ पे किए हैं। और क्या क्या चेंज है उसके बारे में हम बात करेंगे। गाड़ी के इंटीरियर में ज़्यादा कुछ चेंजेस हमने नहीं किए हैं, दो ही चेंजेस हुए हैं गाड़ी के इंटीरियर में। आप देखेंगे नीचे की जो मैटिंग है यहाँ पे ब्लैक कलर, ये चेंज हुए हैं। इसकी कुछ कॉस्टिंग आपको 1200 रुपये पे गिरेगी इसकी कॉस्टिंग, और ये मैटिंग मैंने चेंज किया, इसकी कॉस्टिंग कुछ 1200-1400 रुपये है। तो गाड़ी का जब स्क्रैप का काम चालू था, गाड़ी पूरा ओपन किया था, सीट पूरे ओपन निकाले थे हमने, ठीक है, और तब ये पूरा मैटिंग लगाए थे, ठीक है। और जाते आप एक बार ओवरव्यू देख लेना गाड़ी के इंटीरियर के बारे में। सीट कवर मैंने चेंज नहीं किए गाड़ी के, क्योंकि रिसेंटली चेंज हुए थे। मे बी इन फ्यूचर आई विल चेंज द सीट कवर्स, मेरा एक प्लानिंग है कि एक सीट कवर चेंज करने से उससे बहुत अच्छा एक लुक आएगा गाड़ी को। सो बेसिकली यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं हुए इंटीरियर कार के इंटीरियर में। यस, एक मेंशन किया जो स्टेयरिंग कवर देख रहे हैं आप, वो एक चेंज हुआ है, मैंने चेंज किया है इसके इसका कुछ 250 रुपीज़ कॉस्टिंग आया है इसका। और आप ये गियर का नॉब देखेंगे, गियर का नॉब वो भी चेंज किया है मैंने, इसके कुछ कॉस्टिंग 300 रुपीज़ में गिरता है, ठीक है। और ये जो हॉर्न का पार्ट है, राइट हॉर्न जहाँ पे ईस्टिंग लिखा है लोगों का, तो वो भी मैंने चेंज किया है। जो पुराना जो पार्ट था ईस्ट, ये यहाँ पे खड्डा था, तो ये भी मैंने मोहम्मद अली रोड से लाया है, इसका कुछ 300 रुपीज़ में गिरा है मेरे को, ठीक है। तो ये एक है, और मेरे को नहीं लग रहा है कुछ और कुछ चेंज किया है। जो भी रबर्स है वही पुराने रबर्स यूज़ किए हैं मैंने, फ़िलहाल तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, ज़रा छोटा मोटा नॉइज़ आते हैं लेकिन वी कैन इग्नोर डैट, ओके। सो लेट्स बिगिन विद द लास्ट पॉइंट ऑफ द वीडियो, वो है गाड़ी के रिस्टोरेशन के बारे में। आपको डेंटिंग पेंटिंग में कितना खर्चा आता है उसके बारे में आपको ये अगले वीडियो में बताऊँगा। तो अब हम बात करेंगे स्टीम के रिस्टोरेशन के बारे में। तो आपको गाड़ी कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए इस्टीम, इनकेस आपको रिस्टोर करनी ही रहेगी। आप ऑयल एक्स पे देखेंगे इस्टीम टाइप 3 गाड़ी आपको अराउंड 60-80,000 के रेंज में आपको मिलेंगी। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट देखना है कि गाड़ी का इंजन ठीक है कि नहीं, वो देखना है रिस्टोरेशन से पहले। और नीचे का जो फ्लोरिंग रहता है, राइट, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप फ्लोरिंग देखेंगे कि अच्छी रहेंगी, देन यू कैन डिसाइड कि आप इसको रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि गाड़ी का प्रीवियस वीडियोस में कि आपको कि यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे रस था, कि मोस्टली ये डोर्स में ये पट्टी के नीचे जो एरिया रहता है यहाँ पे बहुत सारा रस्टी था एक्चुअली। यहाँ पे भी बहुत सारा रस्टिंग हुआ था। तो चारों डोर में यहाँ पे ये जो पार्ट्स रहते हैं वहाँ पे बहुत सारा रस्ट था एक्चुअली। और आगे के यहाँ पे जो सस्पेंशन है यहाँ पे बहुत सारे होल्स हुए थे, यहाँ पे रस्ट हुआ था एक्चुअली। आप देख सकते हैं अभी वो फिक्स हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पे बहुत सारा रस्टिंग पार्ट था, वो भी फिक्स हुआ है, ठीक है। तो ये फिक्स हुआ है। आप देखेंगे गाड़ी का अभी जो पेंटिंग बहुत ही अच्छे तरह से हुआ है एक्चुअली। कोई भी जो मिलता है वो मेरे को बोलते हैं कि यार आपने गाड़ी बहुत अच्छे कंडीशन में रखा है, लेकिन उनको पता नहीं रहता कि गाड़ी ये रिपेंट हुआ है। तो मोस्टली ऐसा जो आउटलुक गाड़ी का है बहुत ही अच्छा आउटलुक आया है गाड़ी का, ठीक है। तो सो वी विल कम टू आवर पॉइंट कि इस गाड़ी को रिस्टोरेशन में कितना खर्चा आया। तो रिस्टोरेशन के लिए डेंटिंग पेंटिंग के लिए मैंने पे किए है कुछ 21,000 रुपीज़, ओके। और इसमें से मैंने पूरी गाड़ी खोली थी, मीन्स सीट पूरे निकाल के
अंदर से गाड़ी पेंट हुई है, जो ब्लैक रबर पेंट है वो अंदर से सीट के नीचे जो एरिया रहता है वो पूरा पेंट हुआ है, गाड़ी के नीचे से पूरा पेंट हुआ है, रबर कोटिंग हुआ है गाड़ी की, और गाड़ी पूरी पेंट होने के बाद पूरी गाड़ी पॉलिश हुई है एक बार। ओके, सो आप ये बम्पर जहाँ पे लगते हैं उसके अंदर एक ऐसा पट्टी, ब्लैक कलर का पट्टी रहता है एक्चुअली, आगे पीछे बम्पर पट्टी बोल सकते हैं उसको, तो वो ब्लैक कलर का पट्टी रहता है बैग आगे और पीछे, वो नॉर्मली रस्ट, बहुत रस्ट आने के वजह से वो बम्पर हिलने लगता है, तो हार्डली उसका कुछ कॉस्टिंग दोनों बम्पर का कुछ 1000 रुपीज़ रहता है एक्चुअली। तो उससे आप देखेंगे अभी जो फिटिंग है बम्पर का बहुत ही एकदम प्रॉपर कंडीशन फिट हुआ है, यहाँ पे कुछ हिल रहा है नहीं गाड़ी का बम्पर, पीछे के बम्पर भी आप देखेंगे कुछ हिल रहा है नहीं। ओके, गाड़ी के अब ये गाड़ी है CNG फिटेड गाड़ी है, तो इसके मैंने हाइट पैड डाले हैं गाड़ी के, तो जो स्प्रिंग रहता है पीछे के स्प्रिंग रहता है उसके नीचे इतना इतना बड़ा हाइट पैड रहता है, उसका कुछ कॉस्टिंग 350 रुपीज़ रहता है। अल्टो केटन के उसमें वो जो बॉक्स आया था वो रबर का, उसमें अल्टो केटन के सीरीज लिखा था बेसिकली, देन के सीरीज़ के जो हाइट पैड रहते हैं वो फिट हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और सो गाड़ी के चारों सस्पेंशन है वो मैंने चेंज किए हैं, सो ज़्यादा कॉस्टली सस्पेंशन रहते हैं वो फ्रंट के सस्पेंशन रहते हैं, उसके कुछ कॉस्टिंग 7000 अराउंड रहते हैं, और पीछे के जो सस्पेंशन रहते हैं विदाउट स्प्रिंग रहते हैं तो उसकी कॉस्ट ज़रा कम रहती है, तो चारों सस्पेंशन के कॉस्ट अराउंड 10000 रहती है। लेकिन ध्यान में रखना कि आपको जो प्राइस है मल्टीपल स्टोर से निकालना है आपको, क्योंकि मैंने जब एक दुकान पर पूछा था वो उसने मेरे को 12,500 रुपये कोट किए थे, अच्छा हुआ था मैंने कि पहले से दूसरे दुकान में मैंने कोटेशन निकाला था उसमें 10,000 रुपये बोले थे मेरे को, तो इन शॉर्ट सस्पेंशन का कॉस्ट है उसका आपको 10,000 रुपीज़ लगेंगे चेंज करने के लिए, ठीक है। तो और ये गाड़ी में एक्चुअली गाड़ी ज़रा पुरानी है तो लॉक अनलॉक करने के लिए ज़रा प्रॉब्लम आ रहा था मेरे को, तो मैंने सोचा कि सेंटर लॉकिंग बिठा देंगे, सो इसका सेंटर लॉकिंग का कॉस्ट कुछ 3000 रुपीज़ के आसपास रहता है। नॉर्मली आप देखेंगे नए गाड़ी में एक ही जगह पे चाबी लगाने के लिए रहता है, ठीक है, लेकिन इस टीम में आप देखेंगे दोनों साइड पे आप साइड से आप चाबी से डोर लॉक कर सकते हैं, लेकिन जब भी हमने सेंटर लॉक लगाया था तभी एक दिक्कत आई थी कि गाड़ी में लॉकिंग का कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, तो जो वहाँ का जो बंदा था उसने क्या किया, एक साइड का लॉक को कुछ वायर कट करके फिर एक ही साइड से कुछ उसने किया है, तो अभी सेंटर लॉकिंग में कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, सेंटर लॉक इज़ वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। ओके, और एक बताना है कि ये गाड़ी के जो फ्लेम्स के बारे में बताना है मेरे को, तो ये गाड़ी के चारों डोर के फ्लेम्स और आगे की फ्लेम्स का कुछ कॉस्टिंग 1400 रुपये लगे हैं मेरे को, ठीक है। और ये ब्लैक आप देखेंगे बैक साइड की कार में ये जो फ्लेम है ब्लैक फ्लेम लगाया है मैंने, तो उसकी कॉस्ट कुछ 400 रुपीज़ है। तो ओवरऑल आप गाड़ी की कॉस्टिंग देखेंगे कि रिस्टोरेशन के लिए मैं बता सकता हूँ कि 50-60,000 खर्चा आता है एक्चुअली, ठीक है। तो गाड़ी आपको मिलेंगे कुछ 60-70,000 और 50,000 आप और डालेंगे तो टेक एन एग्जाम्पल 1,20,000 तक आपको गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में रेडी हो सकती है। अभी ये गाड़ी जो रिस्टोर हुई है आफ्टर, मेरे को अभी लग रहा है कुछ खर्चा है गाड़ी में, ठीक है। इसका ये गाड़ी 2007 की है और उसका अभी जो टैक्स रिन्यूअल आएगा वो आएगा 2022 में आएगा। तो मेरा कैलकुलेशन वेरी बहुत सिंपल है कि अभी मैंने खर्चा किया कुछ अराउंड कॉस्ट और ये पकड़ के 1,20,000 रुपये गाड़ी का कॉस्टिंग आए हैं, ठीक है। 2022 में जब इसका अभी मेरे को डिसीजन लेना पड़ेगा कि इसका मेरे को ग्रीन टैक्स पे करना होगा, मे बी तभी मेरे को पता नहीं कितना लेते हैं, तभी मैं सोचूंगा कि इसका ग्रीन टैक्स पे करना है और इसको रीसेल में देना है मेरे को। तो नॉर्मली रीसेल का में आप देखें कोई ये गाड़ी एक्सचेंज में भी देंगे तो 40,000 गाड़ी का और एक्सचेंज बोनस मिला के 60-70,000 तो गाड़ी का आराम से मिल जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये रिस्टोरेशन में इतना ज़्यादा कुछ बहुत सारा बेनिफिट है, आप देखेंगे गाड़ी चलाने में तो बहुत ही अच्छी है, बहुत एकदम प्रीमियम क्लास की गाड़ी है, आपको पता है कि ये मारुति की फर्स्ट प्रीमियम क्लास गाड़ी है एक्चुअली। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके गाड़ी के इंजन के बारे में बताऊँगा, CNG का परफॉर्मेंस के बारे में बताऊँगा और गाड़ी CNG में कितनी माइलेज देती है, सीटिंग कंफर्ट के बारे में बताऊंगा, ड्राइविंग का माई ड्राइविंग एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। लेने के बाद ऑलमोस्ट मैंने 6,000 किलोमीटर गाड़ी चला है तो वो सब आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। थैंक यू।
Subscribe to my channel, My Time, My Review for free, and hit the bell icon to get the latest update.